पूर्णिया जिले के बायसी में निर्माणाधीन पुल के गिरने से दो मजदूर घायल हो गए। घटना को लेकर बायसी विधायक सैयद रकनुद्दीन अहमद और पूर्व मंत्री से पूर्व विधायक हाजी अब्दुल सुहबान ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। सीधे तौर पर विभाग पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कार्य विभाग के लापरवाही के कारण ही ऐसी घटना घटी है। वहीं प्राथमिकता देते हुए कार्य विभाग के कर्मियों पर FIR तथा उसके बाद संवेदक पर कार्यवाही की बात कही। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी कार्य संवेदक विभाग के आदेश से बाहर नहीं रहता। साथ ही उन्होंने अभियंता के कमीशन का भी जिक्र किया है। आपको बताते चले कि बीते 31 दिसंबर को खपरा पंचायत के चौनी गांव के पास निर्माणाधीन पुल ढलाई करते समय गिर गया था और उसमें दो मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए थे। हालांकि उनकी स्थिति अभी ठीक है, लेकिन आपको बता दें कि ये पुल हरिरामपुर से माला, ग्वालगांव, चौनी, खपरा, सकरबलिया और मलहरिया को जोड़ते हुए मुख्यमंत्री सड़क भोरापुल चौक के समीप नेशनल हाईवे को जोड़ती है। जानकारी के मुताबिक हम लोग ठेकेदार को, इंजीनियर को, सबको जो है मैंने बताया कि भाई आपकी गलती है, यहाँ पर इसको ठीक करवा लीजिए। अब एक पब्लिक क्या कितना बोलेगा, पब्लिक का बोलना और हम लोग का बोलना में फर्क है ना। जो अभी प्रेजेंट विधायक है, जो सांसद है, उन लोगों का बोलना में फर्क है ना। तो भूल हुआ है, भूल बड़े पैमाने पर हो गया है और ये बायसी के लिए ये पहली घटना है जो पुल के छत के ढलाई के टाइम में ये छत गिर गया, ये पहली घटना है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि विभाग पर इसकी कड़ाई से इस पर जो है मैंने कार्रवाई होना चाहिए। विभाग जो आज मौखिक तौर पर आज मीडिया में बयान दे रहा है कि हम लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, ये ठेकेदार की जिम्मेदारी है, तो कोई भी ठेकेदार हम लोग जो जान रहे हैं विभाग से बाहर जा ही नहीं सकता है। विभाग से बाहर जाएगा तो उसका पेमेंट ही नहीं होगा, कैसे चला जाएगा ठेकेदार विभाग से बाहर? इंजीनियर से बाहर जा सकता है? नहीं जा सकता है, उसको रिजेक्ट कर देगा वो। इसलिए हर हालत में जिम्मेदार है विभाग, सेकेंड में आएगा ठेकेदार, कार्रवाई हो, असिस्टेंट इंजीनियर पर कार्रवाई हो, कनीय अभियंता पर कार्रवाई हो, विभाग पर कार्रवाई हो। विभाग की लापरवाही के चलते ये घटना घटी है। विभाग चाहेगा तो ठेकेदार उसके बाहर चला जाएगा, जा ही नहीं सकता है। अगर बाहर था तो उसी टाइम में उसको जो है मैंने रोक लगा देना था, लिखित में रोक लगाना था। अगर लिखित में रोक लगाया है तो वो दिखाए। ये 100% ये विभाग का कसूर है, सेकेंडरी जो है ठेकेदार का कसूर है। विभाग की जिम्मेदारी है, तीन तीन इंजीनियर यहाँ बैठ के खा रहा है, क्या कर रहा है लोग? सर, इससे पहले भी बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, सब लोग बहुत हंगामा भी किए थे, इसके बावजूद भी ऊपर से उन लोग कॉल करके मना कर दिए वीडियो वीडियो डालने के लिए और बोले कि काम करो जैसे करना है। तो वो फोन पर कह रहा है, मौखिक कह रहा है और आज वो जो बयान दे रहा है तो कह रहा है कि हमने ऐसा मना किया, जानबूझ के ठेकेदार ऐसा कर दिया, ये हम नहीं मान रहे हैं। जी, मैं उसका वीडियो भी डाला था, क्योंकि आज अगर ये नहीं गिरता तो आप ही लोग बताइए, नहीं गिरता, क्लियर रहता अगर जी, तो ये चुपचाप जो है MB हो जाता ना, इसका इंजीनियर, वही इंजीनियर MB करता ना, वही इंजीनियर MB करता ना, थोड़े इसको मतलब और कहता कि नहीं आपका जो है गलत हो गया तो काहे ढलाई किए। ढलाई इसका कामयाब हो जाता अगर तो वही इंजीनियर इसका MB कर देता, अपना कमीशन खाता वो जी। जो कमीशन पहले लिया वो तो लिया ही है, MB के टाइम में जो पैसा लेना है उसको वो लेगा। तो आज के डेट में हमारा अपना जो मांग है, हम जो चाहते हैं कि विभाग के जो भी कनीय अभियंता से लेके अधीक्षण अभियंता तक तमाम लोगों पर FIR दर्ज होना चाहिए। अब वो लोग अपनी जवाबदेही तय करें, लिखित में अगर ठेकेदार को रोका है वो लिखित दिखाए। वो अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं।